हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के अंदर अपन फ्रक्टोज के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रक्टोज के भी तीन टाइप के स्ट्रक्चर कौन कौन से, फिशरमैन प्रोजेक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका क्लोज स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका हावर्थ प्रोजेक्शन में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से पोजिशन पे क्या होता है और फ्रक्टोज की कौन सी संरचना होती है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ये अपनों इससे पहले वाले जो वीडियो थे पाइरेनोज और फ्यूरेनोज संरचना, उसमें अपनों ने इसको क्लियर किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो इजी वे में समझ में आ जाए, है ना। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज का फॉर्मूला वही C6H12O6 ये है। इसको कैसे बनाएंगे अपन, तो यहां पर CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल ट्राइस और CH2OH, ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अपन कैसे फिशरमैन प्रोजेक्शन में बनाएंगे। फिशरमैन प्रोजेक्शन क्या था, ये इसका स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, तो पहले ऊपर वाला कार्बन एज इट इज, ठीक, फिर दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी एच टू ओ एच, ठीक, 1 2 3 ये हो गया। यहां पर एच ओ एच 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 ओ एच और एच OH, ठीक, इस टाइप से हो गया। और दूसरा इसके दो फॉर्म कर सकते हैं, अपने बनाए थे, ठीक, CH2OH C डबल बॉन्ड O नीचे CH2OH 1 2 3, यहां पर H OH OH H OH और H। अब यहाँ पर दो टाइप के फॉर्म है, कौन कौन से हैं? एक में एच ग्रुप जो है पॉजिटिव पार्ट अपने लेफ्ट साइड में है और एक में पॉजिटिव पार्ट राइट साइड में है। और अपनों ने देखा था या तो पॉजिटिव पार्ट लेके चले, ठीक, या नेगेटिव पार्ट लेके चले, तो दोनों में से आप जैसा सुटेबल लगे वैसा। तो अपन ये नीचे वाला कार्बन देखते हैं, यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डी फ्रक्टोज, ठीक, और फ्रक्टोज के साथ माइनस लगता है, ठीक, डी फ्रक्टोज, क्योंकि ये क्या करता है, जो प्लेन पोलर लाइट होती है समतल ध्रुवित प्रकाश, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए क्या करता है, माइनस लगता है। यहां पर देखें अपन तो जो एच है, एच कहां पर है, अपनी राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक, तो राइट साइड में प्रेजेंट होने से इसको क्या बोलेंगे अपन, एल फ्रक्टोज, ठीक, ध्यान रह जाएगा, डी फ्रक्टोज जिसमें लेफ्ट साइड में अपना पॉजिटिव पार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो वो डी माइनस फ्रक्टोज, और जिसमें पॉजिटिव पार्ट राइट साइड में प्रेजेंट हो वो कौन सा है, तो वो एल माइनस फ्रक्टोज होगा, ठीक। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके होंगे, फ्रक्टोज के, फिशरमैन प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका कौन सा क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक। तो यहाँ पे अपने को कौन सी पोजिशन ध्यान रखना है, तो नीचे वाली ध्यान रखना है। यहां पर अगर कोई चेंज दिख रहा है, तो अगर लेफ्ट साइड में एच है तो डी माइनस, और राइट साइड में एच है तो एल माइनस, ठीक, इसका कौन सा प्रोजेक्शन क्लोज्ड स्ट्रक्चर, बंद संरचना। बंद संरचना कैसे बनेगी, तो जैसे ये है, अपनों ने देखा अभी इसका स्ट्रक्चर, यहां ओ एच 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 ओ एच एच और ओ एच, ठीक, ये है। अब इसमें ग्लूकोज में अपनों ने देखा था कि जब ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता है तो C1 और C5 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती थी। यहां पर क्या है, C1 नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा कार्बन है ये, तो अपन देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स,
तो सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन यानी सी टू और सी फाइव के बीच में बॉन्डिंग होगी और कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर। ध्यान रखना ग्लूकोज के अंदर सी वन टू सी फाइव और फ्रक्टोज के अंदर सी टू से सी फाइव के बीच में होती है। तो जैसे ये कार्बन लिया उन्होंने, यहां पर एक तरफ लिखा उन्होंने क्या लिख दिया सी एच टू ओ एच, ठीक, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हुआ है, ठीक, और ये लिख दिया अपनों ने सी एच टू ओ एच, एक दो तीन, ये ओ एच 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 ओ एच और एच और ओ, ठीक। ये तो वही क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक होता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। ये डबल बॉन्ड हटा तो यहां से हाइड्रोजन जस्ट यहां शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा कुछ इस टाइप से, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस ओ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको अपन बोल रहा था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक, ऑक्सीडेटिव बॉन्ड। और यहां पर अपन देखें कि ओ एच समूह या सी एच टू समूह जो है किधर है, इस साइड है और ओ एच इधर है, ओ एच अगर राइट साइड में प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक, OH इधर है। अब इसमें हो सकता है पोजीशन चेंज हो जाए किस टाइप से, OH इधर आ जाए, CH2OH इधर, ठीक, और CH2OH 1 2 3 OH H H OH H और यहां से ये, तो इसको बोलेंगे यहां पर OH लूप किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर दोनों कौन से होंगे इसके, फ्रक्टोज के क्लोज स्ट्रक्चर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वलय संरचना अगर बना रहे हैं अपन, इसके क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग फॉर्म करनी है, तो सी टू कार्बन और सी फाइव कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी जिससे ये स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर शो करेंगे, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है OH, और यहां से डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाता है और कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है कुछ इस टाइप से। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं अपन, इसका नाम बताया था उन्होंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ऑक्सीडेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के कारण यहाँ कौन सी संरचना बनती है, तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसका देखते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक, तो इधर बनाते अपन इसके हावर्थ प्रोजेक्शन, इसी से बनते हैं। तो ग्लूकोज की संरचना कौन सी होती है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना कौन सी होती है, तो फ्यूरेनोज संरचना होती है, फ्यूरेनेज मीन्स फाइव मेंबर रिंग, ये कुछ इस टाइप से, ठीक, 1 2 3 और 4। अपनों ने बताया था कि जब हावर्थ प्रोजेक्शन करते हैं अपन, हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो कहां लिखेंगे, अबव ऊपर की ओर, और राइट साइड वाले कहां लिखते हैं अपन, तो राइट साइड वाले लिखते हैं बिलो, ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे, ठीक, बस वही सेम फंडा है। ये इस साइड वाले कहां लिखेंगे, ऊपर की साइड, तो सी एच टू ओ एच, फिर ओ एच, फिर एच और यहां पर सी एच टू ओ एच, इस पोजीशन पे कंप्लीट है। इधर के लेफ्ट साइड राइट साइड वाले कहां लिखेंगे, नीचे ओ एच एच ओ एच और ये एच, ठीक। तो ये कौन सा है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक। अगर इसका अपने को बीटा बनाना है, बीटा बनाओ, देखिए कैसे बनाते हैं, ट्राइट, ये बीटा का स्ट्रक्चर, और बीटा स्ट्रक्चर को अपने करना है सबसे पहले क्या, इसका स्ट्रक्चर बनाया अपनों ने कुछ इस टाइप से, ये हो गया, ये वाले जितने भी हैं कहां लिखेंगे, ऊपर, तो ओ एच ओ एच एच और एच, और उधर वाले एच, और यहाँ पर तो सी एच टू ओ एच आएगा, जो आएगा ऐसे ही, ठीक। यहाँ पर इधर वाले सी एच टू ओ एच एच
OH और H। ठीक, अब इसमें कार्बन की नंबरिंग कैसे गिनते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इधर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो 6 मेंबर, 6 कार्बन हो गए, बट 5 मेंबर हेटरोसाइक्लिक रिंग है, 5 सदस्यीय विषम चक्री वलय संरचना होती है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना इनके स्ट्रक्चर का, अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग होती है, पाइरेनोस संरचना, और फ्रक्टोज की कौन सी होती है, फ्यूरेनोस संरचना। ठीक, इसमें किसमें बॉन्डिंग होती है, तो ग्लूकोज में C1 और C5 के बीच होती है, और फ्रक्टोज में कैसे होती है, C2 और C5 के बीच बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो ध्यान रखना इसके। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो है डाइसेक्राइड करेंगे, और डाइसेक्राइड के स्ट्रक्चर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।